हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बप्पा का दर्शन करने में मुंबई, और देखते हैं कौन सा दर्शन होता है, पग दर्शन होता है कि मुख दर्शन होता है, वो तो वहाँ के भीड़ पे डिपेंड है। तो अभी बजने वाले हैं 10:30। टाइम टू टाइम आपके साथ ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी। और दिन है आज 22 तारीख 2023, और फ्राइडे का दिन है, और हम जा रहे हैं दर्शन करने। बच्चों की चल रही है छुट्टी, तो यहाँ पे सब तैयार होके बैठे हुए हैं। तो पप्पा के दर्शन के लिए सब लोग यहाँ तैयार होके बैठे हुए हैं। पप्पा अच्छे से दर्शन दें, और कौन कौन सा पॉइंट हम कवर कर सकते हैं हम देखेंगे, टाइम पे डिपेंड रहेगा। तो मछलियों को मैंने खाना डाल दिया है, ये पूरे दिन रात चलेंगी, एक दिन ये कवर कर लेती हैं। तो चलिए चलते हैं हम पप्पा का दर्शन करने। आ गए हैं हम लिफ्ट में, ये सब पापा का दर्शन करने के लिए बेचैन है। और बस हम IS टावर से निकल चुके हैं, तो निकल चुके हैं 10:30 बजे हम। और मुंबई में हल्का हल्का बारिश चल रही है, इसलिए हम अपने कार से जा रहे हैं। जय गणपति। तो ये यहाँ का समुद्र है, आप लोग को दिखा दूं। मौसम एकदम बादल सा बनाया हुआ है, ऐसा लगता है ढेर सारा बारिश आने वाली है। ग्यारह 40 हो रहे हैं इस समय। बजने वाले हैं और बहुत बारिश हो रही है बाहर में, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम ये सेकेंड बार जा रहे हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, और भीड़ पे डिपेंड है कि पग दर्शन होता है या फिर दूर दर्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे पहुँच के ही हमको पता चलेगा कि पग दर्शन होगा कि दूर दर्शन होगा। और मतलब वहाँ पे बहुत भीड़ आती है, लाखों की संख्या में वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और हम सेकंड बार जा रहे हैं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। एक बार गए थे तो हम ओला से गए थे, इस बार अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, और मतलब गूगल मैप के थ्रू जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और बारिश था इसलिए हमने यही सोचा कि अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहे, क्योंकि बच्चे साथ में हैं दोनों। गाड़ी में हम गूगल मैप लगा लेते हैं और बस इसी के थ्रू हम जाते हैं, कहीं भी घूमना रहता है क्योंकि रास्ते का तो ज़्यादा पता नहीं रहता है। आप पहली बार जा रहे हो या फिर सेकेंड बार जा रहे हो, इतना आइडिया नहीं रहता है। कम से कम आप कई बार जाओ तो आपको आइडिया रहेगा रास्ते का कि यहाँ क्या रास्ता है। अब यहाँ पे देखते हैं पार्किंग कहाँ मिलता है, गाड़ी कहाँ पार्क करें, कुछ आइडिया नहीं है। फर्स्ट टाइम आए हैं हम अपने गाड़ी से यहाँ पर, तो पार्किंग देख लेते हैं कहाँ है, बताऊँगी आप उसको। लाल बाग हम पहुँचने वाले हैं, पार्किंग के लिए हम जगह ढूंढ रहे हैं कहीं अच्छा सा पार्क। टर्न लेफ्ट ऑन टू दत्ताराम लैंडमार्क, देन टर्न लेफ्ट ऑन टू तुकाराम भिकाजी कदम मार्ग, पार्क करें और फिर वहाँ से जाएं बप्पा का दर्शन के लिए। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट ऑन टू तुकाराम भिकाजी कदम मार्ग। फ्रेंड, यहाँ से शायद दर्शन स्टार्ट हो जाएगा बप्पा का। देखिए वो लगा हुआ है। यहाँ पे हम पार्किंग करेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है महानगर पालिका सार्वजनिक वाहन, ये हम गाड़ी यहाँ पे पार्क करेंगे। पार्किंग
से गाड़ी हमने पार्क कर दी है और उसको निकल रहे हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं फ्रेंड और जा रहे हैं लाल बाग, तो पहुंच ही चुके हैं और यहाँ कई तरह के पुलिस लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए। हम लोग उससे पूछ रहे हैं मुख दर्शन कौन सा है, पग दर्शन कौन सा है, किस में कितने घंटे लग रहे हैं। पूछने पे हमको ये पता चला है कि जो पग दर्शन है उसमें 10 से 12 घंटे लग सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा लग सकते हैं। तो हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग मुख दर्शन करेंगे। उस साल हम आए हुए थे तो हम पग दर्शन किए थे जिसमें हमको 16 घंटे लग गए थे। पग दर्शन में पूरा पैर पकड़ने को आपको मिलता है बप्पा के पास जाके, और मुख दर्शन में आपको पास से ही जाके मतलब करना पड़ता है और अच्छे से वहाँ पे दर्शन हो जाता है। और अच्छे यहाँ पे भी बहुत ढेर सारी भीड़ होती है, पर आज तो चौथा दिन है तो कम भीड़ दिख रही है। और इसमें इसलिए हम इस हॉल में आ चुके हैं और इस लाइन में लगने जा रहे हैं मुख दर्शन लाइन में। तो अभी हम चल रहे हैं क्योंकि इसके साथ साथ हमको उस साल हमने यहाँ के बॉम्बे में बहुत से गणपति थे जिसके हमने दर्शन नहीं किए थे, तो हम इस साल उस सब गणपति के भी दर्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लालबाग राजा के दर्शन करेंगे। तो अभी भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है, फिर हम लोग भी चल रहे हैं। टाइमिंग दिखा रही हूँ मैं, 1 बज गया है यहाँ पे और बस सब लोग चलते जा रहे हैं। भीड़ तो मुझे कमी दिख रही है, आगे चल के पता चलेगा कितनी भीड़ है, क्योंकि मुख दर्शन भी हम लोग पहली बार करने जा रहे हैं और पग दर्शन में उस साल 2022 में किया था जिसमें हमको इतना पता नहीं था। और यहाँ पे होने लगी है आरती की तैयारी होने लगी है, यहाँ पे आरती हो रही है। तो यहाँ पे 1:30 बजे की आरती हो रही है। पप्पा की आरती यहाँ देखने को मिला, ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो फ्रेंड यहाँ पे पप्पा की आरती चल रही है और हम लोग भी आरती लाइन में खड़े होके अच्छे से कर रहे हैं। और यहाँ पे आरती चल रही है और यहाँ पे एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी आई हुई है यहाँ पे, और पूजा हेंगड़े भी यहाँ पे आई हुई हैं आरती में। तो यहाँ पे महान ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियाँ पप्पा के दर्शन के लिए, पप्पा के आरती के लिए यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ पे अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगे। जब भी आप आएँ 1:30 बजे के करीब अगर आप आएंगे लाइन में लगने के लिए मुख दर्शन में, तो आपको पप्पा का आरती देखने को ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आरती हो चुकी है और आप जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे कितनी भारी भीड़ आपको नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग आते हैं पप्पा का सिर्फ दर्शन करने के लिए। और इस गणपति को मन्नत का गणपति भी बोला जाता है, लोग अलग अलग तरह के मन्नत मांगते हैं यहाँ पे और अपने और जिसकी मन्नत पूरी होती है वो वहाँ पे दर्शन करने आते हैं, और ऐसे भी लोग यहाँ पे लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं। अब
एक लाइन ख़त्म होने के बाद हम लोग अगले लाइन पे आ गए और यहाँ से सीधे गणपति जी भगवान जी का दर्शन होगा यहाँ पे। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, सब छतरी लगा के खड़े हुए हैं क्योंकि उस समय बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और बप्पा का एक झलक पाने के लिए सब लोग बेचैन हैं। और यहाँ देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, यहाँ 2:10 या 15 हो रहे हैं और बप्पा का दर्शन देखिए एकदम सामने आपको देखने को मिलेगा। 2:10 पर बप्पा का दर्शन हो गया है। ये देखिए, मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बप्पा का दर्शन हो गया है। अब ये लाइन सीधे वहाँ मेन तक जाएगी, वहाँ से दर्शन हो जाएगा। तो 15 तक हमने दर्शन कर लिए हैं और बाहर आ गए हैं। तो बाहर आते समय यहाँ पे बप्पा का प्रसाद मिलता है, वो आपको खरीदना पड़ेगा और आप खरीद सकते हैं। लड्डू के रूप में बप्पा का प्रसाद मिलता है, वो हमने कई के लिए क्योंकि हमको बहुत जगह बांटना था। और फिर हम यहाँ से निकल के अब जा रहे हैं बॉम्बे में, किसी कितनी भी गणपति हैं सबके दर्शन करने के लिए। और बारिश इस समय हल्का हल्का हो ही रही थी, बप्पा के दर्शन में तो थोड़ा बारिश थी। जा रहे हैं और बच्चों को लग गई है भूख क्योंकि थोड़ा सा हमने हल्का सा नाश्ता ही कराया था बच्चों को। और हम लोग भी जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में बैठेंगे और थोड़ा लंच करेंगे और फिर इसके बाद दर्शन के लिए आगे निकल जाएंगे। यहाँ से अगर कोई VIP आता है या बड़ी हस्ती आती है तो इस तरह से आपको सिक्योरिटी गार्ड आपको भीड़ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। थोड़ी देर हम भी खड़े थे फिर इसके बाद हम आगे चले गए क्योंकि हमको जगह जगह पे दर्शन करना था गणपति बप्पा का। बस हम यहाँ पे पाव भाजी खाया, सबको बहुत तेज भूख लग गई थी। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पे भी दो तरह के लाइन लगते हैं, पग दर्शन के लिए और दूर दर्शन के लिए। तो पग दर्शन में भी यहाँ पे काफ़ी टाइम लगता है, तो हम लोग मुख दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि हमको और गणपति जी के दर्शन करने थे। तो फ्रेंड, हम लग गए हैं लाइन में, भीड़ तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पे चिंतामणि गणपति के हम दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही प्यारा, बहुत ही भव्य रूप गणपति भगवान जी का यहाँ बनाया गया है। नाम ऊपर दिया गया है चिंतामणि गणपति। और बहुत बड़ा पंडाल यहाँ पे भी लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिए भीड़ कितनी है, भीड़ भी यहाँ बहुत है। और हम लोग दर्शन करके निकल गए हैं। पोंगली जगह एक बहुत फेमस है बॉम्बे में, उस जगह दर्शन किया। ये दर्शन जो मैं दिखा रही हूँ आपको 4 बजे के करीब हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट कवर कर सकते हैं। 4 बजे हैं तो फ्रेंड हम आ गए हैं काला चौकी के महागणपति के पास। और यहाँ पे भी भीड़ है पर उतना नहीं है। और फिर यहाँ पे भी हम लाइन में लग गए हैं। ये काला चौकी के पास वहाँ गणपति जी का ये पंडाल है और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ये पंडाल बना हुआ है। मैं आपको नीचे दिखाती हूँ, यहाँ पे कई तरह के कॉइन डाले हुए हैं। पता नहीं लोग ऐसे चढ़ाए होंगे या किसी का मन्नत होगा, किसी भी प्रकार की। ये मैंने सोचा कि आप लोग को जरूर दिखाऊँ, शेयर करूँ मैं आपके साथ। टाइम टू टाइम मैं आपको दिखाते जा रही हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। फ्रेंड अभी हम जा रहे हैं गणपति देखने, क्योंकि यहाँ से कम से कम 4 किलोमीटर पड़ता है। और घड़ी में बज गए हैं 5। तीन गणपति दर्शन किए, एक लालबाग राजा दर्शन, एक चिंतामणि दर्शन और एक महागणपति। और ये चौथा है खेतीबाड़ी गणपति। और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है तो हमने अपने गाड़ी पार्किंग किया था वहाँ पे, तो हमने यहाँ पे अभी टैक्सी किया है, इसे हम जल्दी पहुँच जाएंगे। अब देखते हैं वहाँ दर्शन कितने बजे होता है। तो फ्रेंड हम वहाँ पहुँच गए हैं और ये 12 नंबर की गली में पड़ता है खेतवड़ी गणपति। और वहाँ पे 2 तरह के भी लाइन लगे हुए हैं, एक VIP लाइन और एक नॉर्मल लाइन। VIP लाइन में आपको पैसे देके अंदर आपको डायरेक्ट जाके दर्शन कराएंगे, और नॉर्मल लाइन में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो हमने VIP लाइन लिया और मतलब तुरंत अंदर गए। तो फ्रेंड यहाँ 50-50 रुपये का एक टिकट लगता है बड़ों का, बच्चों का फ्री रहता है। तो हम लाइन में जा रहे हैं और दिखा रही हूँ कि आपको कितना खाली है, क्योंकि आज 4th दिन है और बहुत खाली था आज। तो मतलब टाइम टू टाइम सब दर्शन हो रहे थे, इतनी संभावना नहीं थी, पर अच्छे से सब हो रहे थे। बस हम चलते जा रहे हैं गणपति बाबा का दर्शन करने के लिए, झलक दर्शन करने के लिए। और ये आ गए हैं गणपति भगवान, और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर गणपति भगवान है। हम लोग नीचे उतर गए हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। बच्चों को लाइन में लगा लिया हमने। जो चीज़ हमने लालबाग राजा में मिस किया वो हमको यहाँ पे वो सब मिला, मतलब अपना माथा टेकने के लिए। और मतलब अच्छे से श्रद्धा से पैर छू के अपना माथा वहाँ पे टेका और बहुत प्रार्थना किया भगवान जी से। और ये गणपति भगवान का पैर छू के माथा टेके मन में बहुत आनंद हुआ और बहुत शांति मिली, बहुत सुकून हुआ। और इनका रूप एकदम भव्य था, आपको बता नहीं सकती थी फ्रेंड कि इनका दर्शन करके मुझे इतना अच्छा, इतनी शांति मिली कि बहुत मन एकदम आनंदित हो उठा। ये मिस्टर दर्शन कर रहे हैं, उन्होंने भी माथा वहाँ पे टेका। और भगवान से प्रार्थना किया
बस हम आ गए हैं आपको एक बार इस पंडाल का झलक दिखाने के लिए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर ये पंडाल भी बनाया गया है। हम दर्शन करके वहाँ से निकल गए हैं। 6:15 हमने वहाँ का दर्शन कर लिया है, जैसे मैं आपको घड़ी दिखा रही हूँ वीडियो में। अब हम बाहर निकल गए हैं। उल्टा तो बगल आपको और मतलब बहुत अच्छा लगा और जा रहे हैं गणपति का और दर्शन करने। ये 5वे गणपति जी हैं, गणपति के हमने दर्शन कर लिए। खेतीवाड़ी के जस्ट बगल में ये पंडाल लगा हुआ है, बस यहाँ जा रहे दर्शन करने। हमने दर्शन कर लिए हैं खेतीवाड़ी में गणपति जी को। हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं कुनाल? आप कुनाल बताएंगे। मैन ड्राइव, बहुत इच्छा थी वहाँ भी घूमने के लिए। और इस समय बज रहे हैं 6:30। हमने बहुत जगह का पॉइंट कवर किया है और अच्छे से सारे दर्शन हो गए हैं। बहुत टेंशन था कैसे दर्शन होंगे, सब दर्शन अच्छे से हो गए। और यहाँ पे भी हमने टैक्सी लिया है क्योंकि गाड़ी वहाँ पार्किंग की है और बहुत रश है। और मतलब धीरे धीरे में थोड़ा थोड़ा दूर पे 4 किलोमीटर और यहाँ से सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। और गाड़ी हमारी वहाँ का लालबाग राजा का जहाँ नगर पालिका है वहाँ पर जाके हमारी गाड़ी पार्किंग हुई है। तो अब यहाँ से हम वो घूमेंगे वेडिंग लाइफ और फिर उसके बाद हम घर को निकल जाएंगे। क्या बोर्ड लगा है आप देख रहे हैं? नो पार्किंग तो नहीं लगी है, नो बोर्ड लगा है। नो पार्किंग बोर्ड नहीं लगा है। तो फ्रेंड यहाँ पहुँच गए हैं मेन ड्राइव और वहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे खुली हवा में आनंद लिया और वहाँ पे एक अपने इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाए और थोड़ा क्लिप किया। इसके बाद थोड़ा देर वहाँ पे रेस्ट किए और इसके बाद हम पहुँच गए लोकल ट्रेन में। लोकल ट्रेन का भी हमने आनंद लिया, बच्चों ने भी आनंद लिया और वहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं थी क्योंकि हमको पहुँचना था अपने गाड़ी के पार्किंग पे और वहाँ से गाड़ी के पार्किंग पे आ गए। तो फ्रेंड अभी तो हम लोग दर्शन कर लिए हैं और थोड़ा सा मुंबई भी घूमे हैं और अपनी गाड़ी में अब आ गए हैं। बच्चे भी देखिए एंजॉय कर रहे हैं। कैसा लगा सबको? अच्छा लगा, बट बहुत ज्यादा कठिन रास्ता था। कठिन रास्ता था और दर्शन अच्छे से हो गए पापा के। हाँ, अच्छे से। अच्छे बोलो गणपति पापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। जा रहे हैं घर की तरफ और बज रहे हैं 9:30 और ये मतलब हमने बहुत अच्छे दर्शन किए, 5 गणपति के बहुत अच्छे अच्छे दर्शन हो गए हैं। अब हम घर जा रहे हैं और क्या कहते हैं, बहुत घूमा, बॉम्बे भी घूम लिया, कई कई पॉइंट कवर कर लिए और इतनी उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतने अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, मगर पापा का मतलब कृपा थी कि सब अच्छे से हो गया। बस अब अच्छे अच्छे घर पहुंच जाए और बच्चों ने तो खूब मस्ती किया। सयान कुनाल स्ट्रेचिंग कर रहे हैं ड्राइविंग। Thank you.
बस अब घर जाएंगे और बहुत थकान लग गई है, पैर एकदम बहुत दर्द कर रहे हैं क्योंकि सुबह से निकले हुए हैं, 10 बजे से ही निकले हुए हैं और इस समय 9:30 बज गए। अभी हमको वहाँ पहुँचने में भी 1 से 1.5 घंटे लगने वाले हैं पक्का। और ट्रैफिक तो मुंबई में बहुत होती है रात के समय, क्योंकि सभी जॉब करने वाले होते हैं, किसी किसी को मतलब धंधे पानी वाले भी होते हैं और जगह जगह पर ऐसे जाम सा लगा रहता है। फिर हम लोग गूगल के थ्रू आए थे, गूगल मैप के थ्रू, और गूगल मैप के थ्रू ही हम फिर से जाएंगे। तो देखते हैं अब कब तक पहुंचते हैं घर पे। ज़्यादा से ही बारिश स्टार्ट हो गई है। लालबाग राजा का दर्शन थोड़ा सा बारिश में हुआ बट अच्छे से हो गया, 1 घंटे के अंदर हो गया। यहाँ पहुँच गए हैं वासी टोड पे और 10:30 बजने वाले हैं। अब पहुँच गए हैं हम बेलापुर और फिर यहाँ से अब 20 मिनट लगेंगे रूम पे पहुँचने के लिए। फ्रेंड उनमें हम पहुँच चुके हैं, बस यहाँ से 2 मिनट लगेंगे उनको जाने के लिए बस। और हम सोच रहे हैं खाना पैक करा के घर पे ही ले जाएं और घर पे ही खाएं, क्योंकि सब बहुत थक गए हैं। और आईएस टावर में हम पहुंचे हैं 11:15 पे।